guess I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास है ओप्पो का रेनो 10 प्रो प्लस और इस फोन में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कुछ इस तरह की, जैसे कि स्क्रीन को ऑफ किया ऑन किया हर बार में एक नया वॉलपेपर देखने को मिल रहा है, तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे आप चाहते हो, आपके हिसाब से आपकी स्क्रीन पर वॉलपेपर दिखाई जाए, जैसे कि आप चाहते हो फ्लोवर्स वॉलपेपर हो या फिर आपके किसी सेलिब्रिटीज के वॉलपेपर हो, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो या फिर चाहे तो आप इनको बंद भी कर सकते हो। और जैसे कि आपको सेम एक ही तरह के वॉलपेपर देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर, बार बार वही वॉलपेपर होते रहते हैं, अपडेट नहीं मिल रहा है, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। चलिए जानेंगे इस वीडियो के अंदर आप ये सब सेटिंग कैसे कर पाएंगे। इसके लिए स्क्रीन पर आपको प्रेस एंड होल्ड करना है, साइड कर लेना है आपको कुछ इस तरह से, देखने को मिलेगा मोड, इस पर चले जाइए एंड यहाँ पर आने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है, देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन मैगजीन या फिर हो सकता है यहाँ पे ग्लांस फॉर रियलमी लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा ग्लांस फॉर रियलमी या फिर मैगजीन के लिए। इस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता हुआ। अगर आप चाहते हो इनको बंद करना तो यहाँ से इस फीचर को डिसेबल कर दीजिए, आपके ये बंद हो जाएंगे। इसके अलावा अगर चाहते हो आपकी कैटेगरी के हिसाब से होना चाहिए तो सब्सक्रिप्शन आप देख पा रहे हो देखने को मिलेगा, यहाँ आप क्लिक कीजिए, नेट आपका ऑन होना चाहिए तो सभी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपने सब्सक्राइब किया होगा उसी तरह की आपकी नोटिफिकेशन आपकी मतलब उसी तरह की वॉलपेपर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई जाएंगे। इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो, यानी यहाँ पे आपको सेम इसे एक ही तरह के वॉलपेपर दिखाई जा रहे हैं, तो ऑटो अपडेट के लिए सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करके रखना है, जो कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो आपकी वॉलपेपर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये सेटिंग आप कर सकते हो। अच्छा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो